नमस्कार, मैनान की खास पेशकश मनी मॉन्ग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हों बेहद खास हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है, जो सबसे ज़्यादा एसेट्स मैनेज करती है जो संस्था SBI म्यूचुअल फंड, उनके EVP एंड नेशनल हेड रिटेल सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन अलायंसेस संदीप शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ वो ये है कि फिलहाल एक Money9 ने भी सर्वे करवाया था, जिसमें ये पाया था कि इंडियन हाउसहोल्ड्स करीब 6% के आसपास हैं जो म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं। तो हमारे देश में अभी भी जो पेनिट्रेशन है, जो रीच है एज फार एज म्यूचुअल फंड इज़ कंसर्न, बहुत ज़्यादा उसमें नंबर्स को बढ़ाने की या जागरूकता फैलाने की बहुत ज़रूरत है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे सर कि कितना इम्पॉर्टेंट है किसी के लिए भी अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स को ओन करना, और इसकी जागरूकता या इसकी पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इंडिया में अगर आप हाउसहोल्ड वेल्थ की बात करें तो आज भी तकरीबन 65-70% हाउसहोल्ड वेल्थ वो रियल एस्टेट और गोल्ड में फंसा हुआ है। अभी क्या हुआ है कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग की मुहिम जो सरकार ने चलाई है, जिसमें जनधन, आधार, मोबाइल जिसके बेसिस थे, उसके बाद हमने देखा है कि लोगों में जागरूकता बनी है फाइनेंशियल असेट्स के बारे में। आज लोग जब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर वो इन्वेस्ट करें तो उन्हें अगर अपना पैसा वापस चाहिए तो 2 दिन में उनके अकाउंट में पैसा वापस आ जाता है इक्विटी फंड के अंदर। डेट फंड के अंदर अगर आपने लिक्विड फंड में पैसा निवेश किया है, अगले दिन आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ये वो रियल एस्टेट में नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं लोगों आप हम छोटी छोटी जगहों पर जाते हैं, हम स्टेट बैंक की ब्रांचेस के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पीपल आर कैश पुअर बट अदरवाइज दे आर होल्डिंग सो मच ऑफ वेल्थ इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। तो अभी ये जागरूकता बन रही है पूरी मार्केट के अंदर कि हमें थोड़ा थोड़ा पैसा रियल एस्टेट और गोल्ड से निकाल कर फाइनेंशियल असेट्स की ओर लगाना, और ये बहुत ज़रूरी भी है। लिक्विड फंड्स में पैसा कम है, जो इलिक्विड एसेट्स हैं उसमें ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा है। या ओके, तो आप कह रहे हैं कि शिफ्ट करने की ज़रूरत है, जो इलिक्विड फंड्स हैं, इलिक्विड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, वहाँ से निकल के हमें जो लिक्विड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं वहाँ पे करना है। रियल असेट्स बोलते हैं हम, और फाइनेंशियल असेट्स, जो रियल असेट्स हैं वहाँ से लोगों को निकल कर फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ क्या क्या हैं, उसके बारे तो बात करूंगा, लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड एज ए इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 2 तरह के फंड्स होते हैं बेसिकली। एक्टिव फंड्स होते हैं, पैसिव फंड्स होते हैं। मैं एक नंबर पढ़ रहा था हाल फिलहाल, जो एक्टिव फंड्स हैं उनका जो AUM है, जो नेट एसेट्स हैं, वो करीब 15 लाख करोड़ के आसपास हैं, जबकि अगर आप पैसिव फंड्स की बात करें तो 8 लाख करोड़ के आसपास है। यानी कि एक्टिव फंड्स की तुलना में जितने एसेट्स मैनेज किए जा रहे हैं, पैसिव फंड्स में लगभग आधे के आसपास हैं। तो ये जो पैसिव साइड ऑफ द स्टोरी है म्यूचुअल फंड की, उसमें ये जो नंबर आधा है उसको आप आगे कैसे देखते हैं बढ़ते हुए? देखिए, जो आधा नंबर है ये भी थोड़ा सा डिसेप्टिव है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हिस्सा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर पहले तो म्यूचुअल फंड में ही नहीं आया, तो वो एक्टिव और पैसिव के बारे में तो ज़्यादा जानकारी रखता नहीं। ये जो इतना बड़ा नंबर आप बता रहे हैं, इसमें से काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन EPFO का है। जिन्होंने जो हमारे पास तकरीबन EPFO का 2,40,000 करोड़ इन्वेस्टेड है, जो कि ETFs के अंदर इन्वेस्टेड है, जो कि जिन्हें हम पैसिव फंड्स बोलते हैं। तो एक तो ये सही नहीं है जब हम कहें कि 50%, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा ज़्यादा है। और दूसरी बात ये भी है, हमें ऐसा लगता है, देखिए पैसिव का टाइम है, टाइम आएगा, मगर आज जिस स्थिति में हम हैं इन टर्म्स ऑफ आर इकोनॉमिक ग्रोथ, आज बहुत अपॉर्चुनिटी हैं एक्टिव स्पेस में अल्फा जनरेट करने की। 2-3 साल पहले तक ऐसा फेज था जहां पे 4-5 स्टॉक ही चल रहे थे, जिसके कारण इंडेक्स ने एक्टिव फंड्स को आउट परफॉर्म किया। मगर हमें ऐसा लगता है ये साइकिल चेंज हो गई है, और यहाँ से एक्टिव फंड्स काफ़ी अच्छा अल्फा जनरेट करेंगे। और SBI म्यूचुअल फंड में हमारे पास तकरीबन 70 मेंबर इन्वेस्टमेंट टीम है, और हमारा रोज एक ही मंशा रहती है कि नया ऐसा मल्टी बैगर आइडेंटिफाई करें, ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई करें जिससे कि हमारे फंड्स में हम अपना अल्फा बढ़ा सकें।
आपने कहा कि इंडेक्स फंड्स में चूंकि अब ज़्यादा स्टॉक्स चलने लगे हैं तो एक गुंजाइश बढ़ गई है एक्टिव फंड्स में, अगर आप पैसा लगाते हैं तो अल्फा जनरेट करने की, अल्फा मतलब मार्केट से ज़्यादा बेहतर रिटर्न जनरेट करने की आप बात कर रहे हैं, तो स्टॉक्स ज़्यादा चलने लगे हैं। मैं एक आंकड़ा अपने सामने रखना चाहता हूँ कि पिछले अगर आप 12 महीने की बात करें तो इंडेक्स फंड्स में जो इनफ्लो आ रहा है उसने बाकी सभी जो अदर कैटेगरीज है उसको बीट किया है, आउटटर्न किया है, और वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स आए हैं वो रिकॉर्ड हायर लेवल्स के आसपास आए हैं। शायद जिस बात की आप जिक्र कर रहे थे उसको ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, तो क्या ये आगे भी इस तरह से ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा? फिर देखिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आती रहेगी, इवॉल्वड इन्वेस्टर्स जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी हैं जो इवॉल्वड हैं, जिनके पास काफ़ी पैसा है, जो कि मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, वो भी अपना जो लार्ज कैप एलोकेशन है वो इंडेक्स फंड के अंदर करेंगे। मगर इंडिया में आज की डेट में लार्ज कैप स्टॉक सिर्फ 100 हैं, मिड कैप स्टॉक्स नेक्स्ट 150 हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स उसके बाद सारे हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी अल्फा जनरेट करने की मिड और स्मॉल कैप में है वो लार्ज कैप में नहीं है। तो इसलिए अगर किसी को मार्केट से बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है तो उसे एक्टिव फंड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। हो सकता है कि जो उनकी लार्ज कैप एलोकेशन है वो इंडेक्स फंड्स को दे दें, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट कम होगी और इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट होगा। लार्ज कैप फंड्स वैसे भी पहले 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दें, निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट कर दें, तो आपने तो वो 100 स्टॉक्स में एक्सपोजर ले लिया और कॉस्ट आपकी कम रहेगी इंडेक्स फंड से। तो आप कह रहे हैं कि पैसिव के साथ साथ एक्टिव फंड्स में भी आपका जो एलोकेशन है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें दोबारा, तो मैं देख रहा था कि जो टॉप 30 सिटीज़ हैं इंडिया में, वहाँ पे पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि अभी भी जो रीच है वो काफ़ी कम है, काफ़ी सीमित है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ तक, छोटे शहरों तक, छोटे निवेशकों तक पहुँचाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्प्रेड करना है हमें, तो जैसे स्टेट बैंक के ज़रिए हमारी 22,000 ब्रांचेस हैं, तो हम तो अपनी ओर से पूरा जोर लगाते हैं कि हमारी ब्रांचेस, जितनी भी ब्रांचेस जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ म्यूचुअल फ़ंड को लेकर जाएं और लोगों को जागरूक करें कि म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना उनके लिए बेटर है वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। इसके अलावा क्या हो रहा है, अब इंडिया में टेक्नोलॉजी जिस तरह से रेवोल्यूशनाइज कर रही है बिज़नेस को, फिनटेक्स जिस तरह से ग्रो कर रही हैं इंडिया में, जिस तरह से ग्रो, ज़ीरोधा, ईटी मनी, इन लोगों ने जो प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं ये हर एक के लिए अवेलेबल है, जो है वो छोटे शहर में हो चाहे वो बड़े शहर में हो। तो हम देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म से छोटे शहर से पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, और म्यूचुअल फंड्स खुद भी ये जानते हैं कि B30 की जो मार्केट है, जिसे हम छोटी शहरों की मार्केट बोलते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। क्योंकि आज अगर आप टोटल इंडस्ट्री का AUM देखें 40 लाख करोड़ का, उसमें से सिर्फ 17% AUM जो है वो B30 लोकेशन से आता है, छोटे शहरों से आता है। अगर आप बैंक डिपॉजिट की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में तकरीबन 178 लाख करोड़ की बैंक डिपॉजिट है, इसका 40% जो है वो इन B30 लोकेशंस में है, मगर म्यूचुअल फंड का सिर्फ 17% B30 लोकेशन से आता है। तो पोटेंशियल तो है बहुत है। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी के ज़रिए म्यूचुअल फंड्स खुद जो कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, आप जैसे चैनल्स जो हैं वो इस बात को पहुंचा रहे हैं छोटी छोटी लोकेशंस पे, तो हम बहुत पॉजिटिव हैं कि म्यूचुअल फंड को हम घर घर तक पहुँचा पाएंगे। अब सर एक मेन सवाल, जैसे मैंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, एक हमने एस्पेक्ट टच कर लिया कि आप कह रहे हैं कि पैसिव के साथ साथ एक्टिव भी निवेशकों के पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। अब दुनिया भर में जो सिनेरियो बदल रहा है, जो कि फेड ने जिस तरह से दरें बढ़ानी शुरू करी, महंगाई बढ़ी, RBI ने भी अपने रेपो रेट में इंक्रीज़ करना शुरू किया, तो जो फोकस है वो इक्विटी के बजाय डेट म्यूचुअल फंड्स में कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी जो सिनेरियो है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ले ऑफ्स भी हो रहे हैं, कंजम्पशन में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, ग्रोथ कम हो रही है, तो जो पूरा इन्फ्लेशनरी सिनेरियो है इसमें क्या जो मौजूदा निवेशक है जिसने इन्वेस्ट कर रखा है या जो इन्वेस्ट करना चाहता भी है, उन दोनों को क्या अपने जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसमें क्या इक्विटी से शिफ्ट होकर डेट में ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए? उससे मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि क्या ये जो बढ़ी हुई ब्याज दरों का सिनेरियो है ये कब तक रहेगा, ताकि एक इन्वेस्टर इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं डिसीजन ले सके कि मुझे डेट म्यूचुअल फंड्स में कब तक रहना है और मेरा कितना एलोकेशन डेट फंड्स में होना चाहिए।
एक्चुअली देखिए, ये बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है, ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बट मैं आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क बता सकता हूँ। एक्विटी में आपका वो पैसा होना चाहिए जो पैसा आपको लंबे समय तक नहीं चाहिए, वही पैसा आपका इक्विटी में होना चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछें कितने साल के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करें, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर 5 साल से कम का पैसा है तो वो इक्विटी में जाना ही नहीं चाहिए। कम से कम पाँच साल पैसा अगर आप दे सकते हैं तभी इक्विटी में इन्वेस्ट। आज जो अपॉर्चुनिटी है वो डेट में ज़्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट बॉन्ड आपको 7.5% का ब्याज दर दे रहा है, और म्यूचुअल फंड व्हीकल के ज़रिए एक आपको टैक्स इफेक्टिव तरीके से वो ब्याज पहुंचता है। देखिए, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगता है, और वो वही टैक्स लगता है जो टैक्स आप अपनी बाकी इनकम पे करते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप डेट फंड्स में आते हैं और आप 3 साल तक रुकते हैं, तो जो भी आपका गेन होता है वो इंटरेस्ट के रूप में नहीं आता, वो कैपिटल गेन होता है और कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन पे इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको मिलता है आपको 3 साल के बाद, तो उससे आपका जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो बहुत गिर जाता है, तो आपका ओवरऑल रिटर्न बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में अगर आप लिक्विड फंड में आए, आप शॉर्ट टर्म फंड में आए, आप कॉरपोरेट बॉन्ड फंड में आए, आप डायनेमिक बॉन्ड फंड में आए, आप गिल्ट फंड में आए, हर फंड में आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा कमा रहे हैं, यानी आप रियल रिटर्न कमा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो आज की डेट में डेट के अंदर तो कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप रियल पॉजिटिव रिटर्न बनाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब जहाँ तक आपका सवाल है, ऐसा समय कब तक रहेगा? देखिए, इंडिया की स्थिति यूएस या यूरोप के कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। हमारे जो सेंट्रल बैंकर ने वो बेवकूफ़ी नहीं करी जो शायद यूएस ने करी कोविड के दौरान। उन्होंने डॉलर छापा, उन्होंने हेलीकॉप्टर मनी अपने इंडिविजुअल्स के घर में दिया। हमने ऐसा नहीं किया, हमने एक बहुत ही ढंग से हमने सपोर्ट किया ऐसे क्लास को जिसको ज़रूरत थी सपोर्ट की। हमने एक्सेसिवली पैसा नहीं बांटा। तो आज हम देख रहे हैं हमारी इन्फ्लेशन जो है अब कंट्रोल में आ रही है। अगर आप लेटेस्ट इन्फ्लेशन प्रिंट देखें तो हमारा 6.44% पे इन्फ्लेशन आ गया है, जो कि पीक में तकरीबन 8% तक गया था। तो हमें और हमारे आरबीआई ने बहुत प्रोएक्टिवली रेट भी हाइक किए हैं। हमें ऐसा लगता है क्योंकि यूएस की स्थिति अभी बहुत ख़राब लग रही है, बिकॉज वहाँ पे अभी बैंकिंग क्राइसिस भी आ गया है। आज हम देख रहे हैं कि ये बैंकिंग क्राइसिस यूरोप के अंदर भी फैल रहा है, तो हो सकता है हमारे आरबीआई को इस बारी एक रेट हाइक और करना पड़े। मगर आज से 1 साल के बाद इंटरेस्ट रेट्स कहाँ होंगे? हमें ऐसा लगता है कि 1 साल के बाद इंटरेस्ट रेट्स आज जहाँ हैं यहाँ तो उधर ही रहेंगे, यहाँ उससे नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो फेज़ है हाई इंटरेस्ट रेट्स का, इंडिया में तकरीबन 9 से 12 महीने तक आपको फेस करना पड़ सकता है। एक साल से ज़्यादा आप कह रहे हैं कि ये जो ज़्यादा बढ़ी हुई दरें हैं या इसका फेस नहीं रहेगा? हमें ऐसा लगता है इंडिया में एक रेट हाइक और होगा, उसके बाद रेट कट हो या ना हो वो किसी को नहीं पता, वो सब डेटा डिपेंडेंट है और आरबीआई डेटा को देखकर डिसीजन लेता है। पर इतना निश्चित है कि एक रेट हाइक होने के बाद प्रॉबेबली ब्याज दरें वहीं पर थम जाएंगी, और उसके बाद नेक्स्ट 6 to 12 months में जैसा डेटा आता है, जैसा ग्लोबल सिचुएशन रहती है, वो देखकर हो सकता है आरबीआई रेट कम करने शुरू करे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप शर्मा जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनी नाइन को अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे SBI म्यूचुअल फंड के संदीप शर्मा जी, जो हमें बता रहे थे कि पैसिव फंड्स के साथ साथ एक्टिव फंड्स भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, और उसके साथ साथ फिलहाल जो सिनेरियो है डेट म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं, इन्फ्लेशनरी सिनेरियो है, तो आपका डेट म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा होना चाहिए। RBI हो सकता है कि एक और रेट हाइक करे और अगले 9 से 12 महीने तक ये जो ब्याज दरें हैं, जो बढ़ी हुई ब्याज दरें हैं, उनका सिलसिला वहीं कहीं ना कहीं कंटिन्यू रह सकता है। तो फिलहाल आप चाहें तो डेट म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, सबसे अहम बात जो उन्होंने कही कि अगर आप इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो कम से कम आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 5 साल का होना चाहिए, और टैक्स इफेक्टिव आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं अगर आप 3 साल होल्ड करते हैं
म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बाद, तो वो किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के मुकाबले काफ़ी बेटर रहते हैं। तो आपको म्यूचुअल फंड्स में ज़रूर निवेश करना चाहिए। आज के मनी मॉन्क के इस खास एडिशन में इतना ही। नमस्कार।